आ उम्र एक एड़ी कीमती चीज है, दिन प्रतिदिन इनो नाश हो रियो है। और वो कहवे कि ठाकुर साहब रो घोड़ो वो खटपटे में पिए तो इस पीले, क्योंकि पहला टाइम रे में वो सड़ू पानी काटता कुएर में हूं। और हर बार निकलता वो बचीड़ो बाजे घोड़ो बिटके, उन टाइम ठाकुर साहब कह रही थोड़ी देर और रोक दे भाई मार घोड़ो बिटके, घोड़ो पानी पिए जड़ तक ओ बंद कर दे। जन के राजा साहब अगर मैं ओ बंद कर दियो तो घोड़े पानी पीऊ नालो लाऊ की कर निकालनो तो पानी प्याल मु पड़े और ओ बछीड़ो बाजे जे आई पानी नी जन धर घोड़ो तिरो ही रे। तो कहने रो मतलब इन संसार रे काम करता थकई जे, अगर अपे परमात्मा ने याद कर लिया तो याद हो जाई। हाँ खटपटे में पिए तो पीले, निज ने पीनो बहुत मुश्किल है। निज ने आ हो जाओगे भाई बुढ़ापे में राम नाम बजाओ तो नहीं। अब राम जी रो नाम लेने वास्ते महात्मा लोग कहो भी है, नहीं है होटे, नहीं है कंठे, नहीं है जीबिया सार, उनु विश्व अलग मिले कोई मोक्ष रो आधार। होठे कंठे जीबे हाथे पावे इनकी जरूरत नहीं बताइए। क्यों तिरिया नीर भूखे मन भोजन जैसे बिन पूत अवध दुखे रो, लोभी दाम कामी मन कामन जैसे गौ मन हेत विषेरो, गज के मन कजली बन की शीर सरोवर सित हंसारो, ऐसी कोई प्रीत करे प्रभु नाम से तो निस्ते वे उधार तुम्हारो। एड़ी प्रीत अगर हरि नामो कर ले आदमी तो हकीकत री बात है कि उन उधार हो जावे। की कर जैसे पिनगट, अब तो घर घर में कोई पिनगट पे उन्हें तकलीफ बिल्कुल खत्म होगी, क्योंकि आप देखो जाओ जटी घर घर में भी टूटियां लागूड़ी है, सब व्यवस्था सुविधा लुगाई वास्ते बढ़िया करी उड़ी। और पहला री टाइम में महात्मा लोग आ बात कही है कि भाई गांव रे में सुबह और शाम री टाइम हर गांव में पिनगट, मैं कई कई गांव रहे जट पिनगट बेवती दिखे मिले है तो वे पुनियारी बेवती जिन टाइम में हामी अपूटी हाथन मिल जाओती कोई बाल पनेरी तो हारे री पीरे री हुकरी दुकरी सब बातों कर लेती, मौको पर तो ताली बजा देती पर माथे में पड़ियो घड़ो हाव छूटो हेटो नहीं पड़तो, क्योंकि उन्हें सुरता ही जी की गड़ेर में लागोड़ी रहती। इन्हीं प्रकारों अपे संसारा काम करता थका पिणियारी री सुरत घड़े में रहवे, इन्हीं प्रकारों अपरी सुरत है जी की परमात्मा जुड़ी उड़ी रहे तो राम जी नो नाम ले जो। क्योंकि हैंग दिन राम 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 करने कोई राम जी राजी थोड़ी होई, क्योंकि कई बेटा जेब कतरा भी आकर आप देख लीजो मेला आवे कोई कुंभीर का उठे हली भीड़ देके उठे हलो खातो खातो राम राम बे जेब कतरा करिया के जेब ऊंची की नहीं हली एक मिनट में जपी उठा जाता रहे। तो इनो मतलब है राम राम करने की कर पके, राम नाम सब कहे ठग ठाकुर ने छोर, वो बिना प्रेम रीजे नहीं नागर नंद किशोर, केवल और केवल परमात्मा पर भावु राजीवे, जा की रही भावना जैसी हरि मूर्त देखी तीन वैसी। जिन आदमी री जड़ो भावरी होए कई सत्संग में जानी भाव एड़ो राखे, कने तो बजाउनियो दल कालो छूके, अरे कणो गाउनियो छूके अने कणो इनो माइनो पड़ू कण मार हो रही है। हकीकत री बात इन भाव बैठा रह जा, ओज को हैंग रात करे ने भाव बड़े और राखे तो क्यों नींदू खोटी विया की मतलब ही नहीं रियो। परमात्मा रे निमित बैठनो भली पाव घड़ी आधी ने पुन्याद, अरे तुलसी संगत संतरी कट जावे करोड़ अपराध, एक नहीं साहब दो नहीं दस नहीं बीस नहीं हजार नहीं लाख नहीं एक करोड़ अपराध एक हाथे कटे। एक भड़ो आदमी कोई गांव रे बारे आप रे उड़ ली उड़ उबो और अटियो गांव में सत्संग चलती गांवरे में रेडियो लागोड़ो आवाज उनी दी कि संत मिलन को छा लिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे वो है सब यज्ञ समान। उन आदमी गिनन गौंट दे दी कि अगर हाचे मनु संतों रे शरण में जावे, संतरो शरण कई क्या सत्संग है, आ पाप काटनी है आ दुख काटनी है आ सुख बांटनी है, इन वास्ते इन सत्संग ने जिको आदमी, क्योंकि इन संसार में दो बात आदमी साव तो थको साव नहीं कर सके, सब काम कर ले दो साव तो थको नहीं करे, क्योंकि अपनो किस्मत अकरो थकरा माँ बाप मिल जाए, किस्मत अच्छो थकरो भाई मिल जाए, किस्मत अकरो तो अपन राज रे खजाने में हाथ लाग जाए, किस्मत अच्छो है तो परिवार हकरो मिल जाए, इन किस्मत हकरो तो गांव में भी अपरी पेट रह जाए, पर हकरो किस्मत होता था कोई आदमी है दो काम नहीं करे वे कौन है। के तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांचित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठा जाई, सुंदर दास मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग में आवनो बहुत ही दोरो काम है। उन भोले आदमी विचार करियो रे संतों मिलने एक पौंडो एक यज्ञ रोवे, उठ उबो उबो गले में धागो बांधियो धागो तोड़ियो तोड़ एक गांठ लगाने एक पौंडो भरियो दूजे पौंडे दूजे यूं करतो करतो गांव में सत्संगी उठे पहुंचियो जर तक 500 पौंडारी गांठो दे दी 500।
अब 500 गांठ लगा उस सत्संग में पहुंचियो, उन टेमरे में महात्मा जी ने जान दंडोत प्रणाम करी और उठे दो मिनट बैठो रियो, बैठ पर मन ही मन विचार करियो कि बाप जी आज जो बात आप कही जी की हाची है। महाराज के मैं तो नियमित हूं सा कहन वाला, तो महापुरुष लोग हैं, जो संत महापुरुष कही तो बात झूठी हो नहीं सके। तो उन धारण कर ली हम इन अजमाइश करनी, वो आप रे एवड चराव तो चराव तो कहीं गोल गियो पर बारे गियो बारले देश गियो यूपी बिहार थक गियो फिर तो एक नगरी रे बारले पाड़े कोई ओरन हो जो कौन ओरने में आप रे जीव चराव तो एक दिन जोग संजोग कौन नगरी रे राजा रे कुष्ट उगड़ियोड़ो। अब कोई कहे कि उन्होंने कोई यज्ञ करियोड़ो वे अन एक यज्ञ कृष्णा पुन परो करियो वे तो राजा रो शरीर कंचन वेदी हो जा। ओ कह रे बेटी मारे अजमाइश करनी है, 500 यज्ञ लियोड़ो बाहर फिरू हाँ वही अन ओठा नी अपर यज्ञ वे सत्संग आला कार करिया ने करिया आज ट्राई करनो मौको आयोड़ो। मेला गाबा हजू पहुंच गो राजभवन में, ज्यो प्रवेश कर डुको तो सिपाही आड़ा हुआ हाथ में ओ लियोड़ो पौड़ेरो गेडो के गाबड़ में दूला पागो मरजे परो नी। वो देखियो रो एड़ा कपड़ा पेड़ियो ना जा ही दे, देखियो कोई भिकारी वेला वो कैसा मारे 500 यज्ञ करियोड़ा थोड़े राजा रे मुकीन की बलो करने वास्ते आयो। वो कह रहे भाई थारी शिकल नहीं कहवे थू 500 यज्ञ करिया थारे एक राई फोड़ा पड़े क्यों ये कोई सामर्थ होता जगह पहले यज्ञ करता साहब हर एक रे बस रोक थोड़ी हो। उन टेमरे में वो भाई राजा रे निजर चढ़ियो, राजा कह रहे भाई यज्ञ रो कहवे आपो कुडू लेऊ ने थोड़ी आयो देऊ ने आयो इनमें आऊं दे तू। अब वो मैं गयो राजा कहवे कि थारी एक करियोड़ा कैसा एक दो नहीं करियोड़ा मारे 500 एक करियोड़ा कहे के 500 एक कह तो दो पुन मारे नौरा परा करे के बिल्कुल कर दू सा अजमाइश करने जायोड़ू। दो पुण्य कर दिया कि भाई अगर राजा रो कुछ ठीक हो तो मैं उन दिन उन सत्संग में हाचे मनु गियो अन एक पाउंड अगर यज्ञ रो वे तो इन्हें दो यज्ञ राजा रे निमित्त में करिया और संकल्प और संकल्प करता हूं टेम लागी इन राजा रो कुष्ठ दूर होगो साब कंचन वेजरो शरीर होगो। और जो ही राजा रो शरीर कंचन वेजियो यो और उठीन उबा हुआ राजा साहब कह रहे कालिया थारे 500 करियोड़ा 498 पड़िया एक दो बड़े परा करे कनी मारे गिरे भाई कोई थोड़ो गुणो शरीर में रियोड़ो तो वही अलग हो जाई वो कैसा ठा हो तो यही नहीं करते अजमाइश करनी के भाई मारे 500 रो बार दियो हमें 498 मन था एक मार कने है ए दो थोड़े व्यूज को होगो बोलो हमें मुंह थोड़े नहीं दू आम पक्की बात है। तो कहने रो मतलब है आज भी बिल्कुल लागू है बात, अगर लागू नहीं हुए तो आप हमारे पीछे एकदम परफेक्ट बात आई आप देख लीजिए हमारे हंग विज्ञान रो टेम है सब इन सीधा जानकार है। तुलसीदास जी महाराज री एक सोपाई आप देख जो हनुमान चालीसा जुग शास्त्र योजन पर भानु लियो ताई मधुर फल जानू, मतलब कि तुलसीदास जी महाराज उन टेम आ बात लिखी 5000 बर पहले री बात है उन टेम लिखी है जिकी बात ने आज ना सारा विज्ञानी कहा जिका आज छोपाई पड़ी वे के भाई उन टेम कोई एडो संसाधन ही हो को नहीं एडो कोई उपकरण भी हो नहीं तो एक की करा दूरी काटिया पतो करो जन कोई इंदिरा साहित्यकार बुला और बिना छोपाई रो मतलब भम जिया पूरो के इन दूरी कितनी वे जन वे पहली छोपाई रो पूरो और पूरो वर्तांत और मतलब कडान किलोमीटर कडाया भाई पृथ्वी लेन सूर्य रीति दूरी है जन वे कहो पूरी पूरी दियोड़ी 15000 कई करोड़ ही जो भी ही जी की वा पूरी काढ़ी 15 रो आंकड़े माते वा पूरी पूरी फाइनल कर दी जन वे ना सारा वैज्ञानिक आपरी दूरी वे तय करियोड़ी एकदम सटीक खुदरो उतर तुलसीदास जी ने चौपाई रो उतर एकदम बराबर निकलियो जिन टाइम वे मौनियों के वास्ता में जो शास्त्रों में बात कहड़ी है जी की आज भी वे सत्य है आज ही अगर अनुमाते अपे अमल करानी तो ज्यो लिखियो ज्यो आज भी वे पर आदमी तो बिल्कुल इन चीज ने समझे ही नहीं जी की बात नहीं समझे जिन वजह जो सत्संग भी आज सत्य है पर सत्य ने आदमी झूठ बनान बैठ गए मोटी देना होगी। तो कहे कहे कि कूप नीर बिना देनु चीर बिना मंदिर दीप बिना अरे जैसे तरवर फल भी नहीं ना वैसे प्राणी हरि नाम बिना अरे सुमरन कर ले मेरे मना बीती जावे उम्र हरि नाम बिना अताली में लियोड़ो पानी जावे ज्यू आ उम्र जा रही है अन अपे वादो करियो साहब एक रो नी बरोबर अपे श्वास एक ही खाली नहीं जाऊं वादो करियो कि भगवान तू एक ओला मिनक बना दियो तो मैं एक यहाँ खाली नहीं जाऊंगा अनापे एक ही नाम नहीं लो जन आपे रोज रो 21600 रो कर्जो करो क्यों 24 घंटों में 21600 हाँ लो आपे जन रोज रा 21600 रो घाटो तो आपे करता जा रही हूं
हाँ चाहे करोड़ की संपत्ति है 21,000 सत्सौ रोज उड़ाओ तो पया किता खजी इन प्रकार कीमत है उम्र रूपी कीमत है अपने तो हमेशा जा रही है नाश हो रही है आ पूंजी खत्म हो रही है और आ खत्म होगी तो साहब पच मौको बार बार नहीं मिले इन मनुष्य जन्म में आऊनो इन वास्ते महात्मा लोग कहे के काम क्रोध मद लोभ विचारो कपट छोड़ो तुम सब जना कहे नानक सुनो भगवंता इस जगत में कोई नहीं है अपना संसार में सब स्वार्थ रहे अपरो कोई नहीं है फिर भी इन संसार में व्यवहार ने लेन बेवनो पड़ी साहब व्यवहार बिना काम चल नहीं सके तो रहता थका व्यवहार ने लेन बेवता थका अपनो संसारो काम भी करनो और परमात्मा जुड़ियो भी रहनो जरूरी है।